Assalamu alaikum and welcome to another episode of Give It a Thought. Do you know who is the man behind comedy serial Tana Bana? आइए आज के शो में हम इनवाइट करते हैं सैफी हसन, who is the director of Tana Bana. Assalamu alaikum Saifi साहब, how are you? Alhamdulillah, walaikum assalam, alhamdulillah, I'm good. थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया अपनी बेइंतहा मसरूफियत के बावजूद. नहीं, कोई मसला नहीं है, हाजिर हाजिर. जज़ाकअल्लाह. पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि रमजान स्पेशल सीरियल और सीरीज का ट्रेंड निकला है, क्या आप क्या समझते हैं, क्या ये कामयाब हो रहा है और इसको कंटिन्यू रहना चाहिए? इस साल तो बल्कि पिछले 3 साल से तो सुपर हिट हो रहा है. इनफैक्ट हमने 2 साल से सुनो चंदा की 2 सीजन देखे, जिन्होंने अगेन गेम शोज को और जो हमारे इस तरह के इनाम बांटने वाले शोज थे उनको, बॉसों को तो बंद ही करवा दिया. एक आज जो बड़े वाले हैं वो चल रहे हैं, लेकिन बहुत से गेम शोज तो बंद ही हो गए, लोग ड्रामे पे इतना हुक हो गए. तो यकीनन हिट चल नहीं रहा, बल्कि सुपर हिट हो गया. और इस साल आप देख रही हैं, अब चुपके चुपके है, ताना बाना है, उधर वो इश्क जलेबी है, सारे तीनों बड़ी अच्छी रेटिंग ला रहे हैं, बहुत अच्छे देखे जा रहे हैं माशाल्लाह. सैफी साहब, आपने ताना बाना में एक नए किरदार को, एक नए एक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया है, दानियाल जफर को. क्या कहना चाहेंगे दानियाल जफर के बारे में, किस तरह की आपकी कोऑर्डिनेशन रही, कोई प्रॉब्लम हुई दानियाल जफर के साथ, बिकॉज़ ही वाज सच अ न्यू इन दिस फील्ड? अच्छा, हमें लगता था कि नया है, लेकिन दरअसल वो बिल्कुल पका पकाया बच्चा है. कोई किसी भी तरह से वो उसने कोई नयापन का इजहार नहीं किया, बल्कि इनफैक्ट बहुत से पुराने अदाकारों से ज़्यादा बेहतर समझदार बच्चा है. और अच्छी एक्टिंग उसने खुद ही की, मैंने कुछ नहीं करवाया, वो खुद अच्छा कर रहा था, पहले दिन से अच्छा कर रहा था. एक बात और बता दूं कि वो मेरे पास आने से पहले एक वेब सीरीज जिसका नाम है 12वां खिलाड़ी, जो मायरा खान ने प्रोड्यूस की है, उसमें ऑलरेडी वो अपना रोल प्ले कर चुका था और उसका काफी सारा काम करके आया था. तो और उसके अलावा वो पढ़ा लिखा बच्चा है, म्यूजिक वीडियोस बना चुका है, खुद गाता बहुत अच्छा है, उसको ऑलरेडी उसकी गायकी के बड़े फैंस हैं. तो वो तो एक्चुअली देखा जाए तो वो प्लस पॉइंट तो हमारे लिए था कि हमें एक ऐसा बना बनाया स्टार पहली बार लॉन्च करने के लिए मिल गया. तो थैंक्स टू दानियाल जफर. सैफी हसन, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं फ्यूचर स्टार्स को, किस तरह आपको फील होता है कि इस शख्स में बहुत टैलेंट है और इसको चांस देना चाहिए? आमतौर पे ये होता है कि मैं जिस तरह करता हूँ, मैं जिन लोगों को पहली मरतबा चांस दिया, वो ज्यादातर ऐसे थे या तो थिएटर का बैकग्राउंड था उनका, जिनका थिएटर में देख चुका था, जिनको थिएटर में परफॉर्म करते हुए देख चुका था, जैसे कि संगमरमर में पारस थे, उनको मैं पहले से परफॉर्म करता देखता आ रहा था कई साल से. इस तरह से एमन थी एक लड़की, जो एक मैंने ड्रामा सीरियल किया था, मुझे नाम बैड विद नेम, आई एम सो सॉरी, उसमें उसको नया मैं लेके आया था. तो आमतौर पे तो थिएटर से मैं लोग ले लेता हूँ, लेकिन उसके अलावा भी हीरो हीरोज होते हैं, बहुत से हीरोज, क्योंकि मेरा अपना एक थिएटर का बैकग्राउंड है. तो आमतौर पर जो मेरे प्रोडक्शन हाउस वाले हैं, जैसे कि मोमना, महेश वगैरह, वो खुद मुझे ऐसे बच्चे जो शक्ल से हीरो हीरोइन होते हैं और उनके अंदर अदाकारी का भी उनको जौहर खुले नहीं होते, वो मेरे हवाले करते ही जाते हैं कि आप इनको जरा आप निकाल भाई करा लेंगे एक्टिंग. ये तो ये एक अल्लाह का अल्लाह की देन है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहा है, अल्लाह ने बात बना के रखी हुई है माशाल्लाह. सैफी हसन, इस पेंडेमिक के दौरान बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े लोगों को, आपको क्या लगता है कि इस कोविड की वजह से आपकी अपनी क्रिएटिविटी मुतासिर हुई? अच्छा, मैं बताऊं, हमारा इन जनरल हमारी इंडस्ट्री को कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, जैसे बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज को, होटल इंडस्ट्री को पड़ा है, एयरलाइन इंडस्ट्री को पड़ा है, हमारी अपनी इंडस्ट्री, क्योंकि ड्रामे चलते रहे और बनते रहे और चलते रहे. बीच में ज़्यादा कुछ अर्से का गैप आया कुछ ड्रामों को, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सफर नहीं किया लोगों ने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इंडस्ट्री कोई बहुत तबाही के दहाने में पहुंच गई, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ.
हमारा काम चलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पिछले साल जब ये ड्रामा ये पेंडेमिक शुरू हुआ था उस वक्त मेरा ड्रामा एहदे वफा चल रहा था और वो बड़ा हिट रहा, और एहदे वफा ख़त्म हुआ तो मुझे एक्टिंग के 3-4 अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल गए। मैं तो मतलब दोनों साइड पे चलता हूँ, मैं एक्टर भी बन जाता हूँ वक्त की ज़रूरत। तो उस वक्त एक्टिंग चलती रही, फिर उसके बाद ये ताना बाना आ गया। तो मेरे लिहाज से तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ा, अल्लाह का शुक्र है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पड़ा, कुछ एडवर्टाइजिंग वालों को फर्क पड़ा है, कुछ और निचले जो हमारे जो वर्कर लेवल है उस पर थोड़े से कि आपको वेजेस कम हो गई हैं, 20% कटौती हो गई है, 25% कटौती हो गई है, इस तरह की चीज़ें हुई हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते आप, हमने देखा कि जी शादी हॉल इंडस्ट्री बंद हो गई, होटल इंडस्ट्री बिल्कुल तबाही के दहाने पर है, एयरलाइन इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर, उस तरह के फर्क अल्हम्दुलिल्लाह हमें नहीं पड़े। ताना बाना के फेवरेट कैरेक्टर्स बताएं, कौन से हैं आपके फेवरेट कैरेक्टर? जैन है, जैन है, बिल्लू है छोटा बिलाल, उस बच्चे ने किया बहुत अच्छा है, शाहिद है, शाहिद पप्पा, जेवेरिया अब्बा, सभी मुझे तो सब अच्छे लगते हैं। लेकिन हाँ, ये जो चीरा चीजा अगर आप पूछे तो ये सारे मेरे फेवरेट हैं। कोई बहुत मजेदार, कोई अच्छा वाकया जो ड्यूरिंग शूट हुआ हो और आप हमसे शेयर करना चाहें, जो आप कभी ना भूल सकें कि ताना बाना का ये वाला इंसिडेंट हुआ आपका, एक बहुत मजेदार सा कोई वाकया? अच्छा, मेरा इस ड्रामे की रिकॉर्डिंग के दौरान जो फेवरेट इंसिडेंट है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। लगते मासूम है अपने बालों से, एक लट्टन की जाने कहाँ आ गई, जानते ही नहीं वीडियो बन रही। ओके, थैंक यू। अच्छा सर, एक और सवाल, दानियाल जफर को लोग जो हैं दानियाल जफर को बहुत पसंद कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जोया का कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा क्रिटिसाइज हो रहा है, लोग जो है उस अनवाय हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, बिकॉज जोया किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही, और जिसकी वजह से जैन को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो इस बारे में आपके क्या ख्याल है? भाई देखो, बात ये है, अगर आप सच्चे दिल से पूछें तो जोया ने पहले दिन से कहा था मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं शादी मटीरियल हुई ही नहीं, उसने बड़ा सादा और साफ अल्फाज में कहा था। दानियाल उसके पीछे पड़ गए कि नहीं मुझे तो करनी ही शादी, तुम जो कहोगी मैं करूंगा, वो फिर भी मना करती है, उसने कहा नहीं मुझे करनी है शादी, और मैं जैसे तुम कहोगी मैं वैसा बन जाऊंगा। तो फिर उसने एक शर्तनामा लिखा जिसमें 10 शर्तें हैं या 12 शर्तें हैं, उन सारी शराइत के बीच दानियाल साहब ने, जैन साहब ने बगैर देखे बगैर पढ़े साइन कर दिया। तो आप उस बिचारी को किस बात का कसूरवार ठहराते हैं सब लोग, जबकि उसने पहले दिन से कहा था देखो आई एम नॉट द काइंड की जिससे शादी की जाए, मैं किसी को इस तरह से शौहर की तरह से, एक वो है परफेक्शनिस्ट औरत है, एम्बिशियस है, अपनी पढ़ाई के लिए एम्बिशियस है, तो वो चाहती नहीं थी शादी करना। तो लिहाजा पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जोया बदलेगी, आप जोया का एक दूसरा रूप भी देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया है और वो आप देखेंगे। लेकिन जो दानियाल ने बेवकूफ़ी की थी, दानियाल को उस बेवकूफ़ी की सजा मिल गई। तो ये एक सबक भी है बेटा, जिंदगी में ऐसा कभी मत करना जितनी हिम्मत। राइट सर, आपने एक तरफ जो है एहदे वफा जैसे क्लासिकल ड्रामे के जिसका भी आपने जिक्र भी किया, दूसरी तरफ ताना बाना जैसा कॉमेडी सीरियल, तो किस ड्रामे को करने में आपको ज्यादा मजा आया? असल में देखें, बात ये है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो हम उसको उस पॉइंट पे एंजॉय कर रहे होते हैं। ये मैं नहीं कह सकता कि मुझे जैसे कि एहदे वफा में बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट था, एक साल तक शूट होता रहा, 13 शहरों में शूट हुआ, बाद अवकात हम दो सीन करने के लिए 5-5 घंटे की मुसाफत तय करते थे, संगमरमर था मेरा प्रोजेक्ट, वो हमने सवाद की पहाड़ों में 3 महीने वही पहाड़ों में घर पे, ना वाईफाई सिग्नल आता था, ना वहाँ पे कोई ऐसी टेलीविजन था, ना कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो मुख्तलिफ, अब इस तरह से देखा जाए तो ताना बाना में बड़ा मज़ा आया, 45 स्ट्रेट डे शूट और ख़त्म, अपने घर आते थे रोज़ाना, रोज सुबह लेट उठ के जाते थे 10 बजे,
शूट करने के लिए, तो वो हर प्रोजेक्ट की अपनी अपनी अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं, आप ये कंपेयर नहीं कर सकते। राइट, जंग ड्रामे में अमल के वालिद का किरदार अदा करने में आपको कैसा लगा, क्या ये चैलेंजिंग था सैफी हसन के लिए? चैलेंजिंग तो नहीं, लेकिन एंजॉयबल था, बहुत एंजॉयबल था। जब मुझे हमेशा ऐसे किरदार करना पसंद है जो जिसके अंदर आपके पास परफॉर्मेंस का मार्जिन है, इसके अंदर मेरे पास मुझे लगा परफॉर्मेंस का बड़ा मार्जिन है। और अभी इनफैक्ट मेरे बहुत से ऐसे सीन्स हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, जो मैंने अपने ख्याल में अल्लाह वाला अपने ख्याल में बहुत अच्छे किए थे, वो अभी आएंगे तो आप लोग देखेंगे। तो मेरे लिए चैलेंज तो मैं नहीं समझता कि बहुत कुछ चैलेंजिंग चीज थी मेरे लिए, लेकिन आई एंजॉयड वर्क। टीम बहुत अच्छी थी, बहुत बदर महमूद जो डायरेक्टर थे, इवन राइटर हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है मोहसिन, बाकी सारे एक्टर शहूद हुआ हमारे, मेरा काम ज़्यादातर शहूद, बिलाल, सना जावेद, ये सब दोस्त हैं, तो इन लोगों के साथ बहुत मज़ा आता था। मतलब हमेशा डंग के शूट पे जाते हुए खुशी खुशी जाता था, खुशी खुशी आता था। अच्छा, कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं तो खुद डायरेक्टर हूँ तो मुझे तो ज्यादा पता है कि किस तरह कौन सा डायलॉग बोलना है या डिलीवर करना है या कहाँ क्या एक्सप्रेशन देना है, तो मुझे किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, कभी ऐसा फील हुआ? अच्छा निदा, मैं आपको बताऊँ, मैं जब भी अदाकारी करने जाता हूँ, जब भी, चाहे मैं कोई छोटा सा ड्रामा कर रहा हूँ किसी नए डायरेक्टर के साथ या कोई बड़े बदर महमूद, तो खैर बड़ा सीनियर लड़का है, मैं अपना डायरेक्टर घर पे छोड़ देता हूँ। कभी भी, हाँ, मैं डायरेक्टर से ना मैं किसी बात पे बहस करता हूँ, ना मैं उसे बताने की कोशिश करता हूँ कि तुम अगर इस सीन को ऐसा कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा अब लामौल आपके जहन में आ जाता है चीज, लेकिन उस मौके पर भी जब कोई चीज़ आ भी जाती है और को बहुत गहरा दोस्त भी हो तो भी मैं इज्तनाब करता हूँ, क्योंकि सामने वाला पूरी पिक्चर तो सिर्फ डायरेक्टर को नजर आती है, राइटर को जो पूरी पिक्चर होती है, ये तुम भी जानती हो कि जो पूरी पिक्चर है वो सिर्फ या तो राइटर जानता है या डायरेक्टर जानता है, अदाकार तो अपना सीन पढ़ के और अपने सीन के हवाले से सोच रहा होता है, लेकिन तो इसलिए मैं अपनी मशवरे भी अपने पास ही रखता हूँ। ओके, आपको ऑन स्क्रीन देखने में अपने आप को ज्यादा मजा आता है या फिर ऑफ स्क्रीन काम करने में ज्यादा मजा आता है? मुझे ज्यादा मजा एक्टिंग करने में, एक्टिंग करने में ज्यादा मजा आता है। क्या चीज है तो जिंदगी, लेकिन सच्ची अच्छा। बात ये है कि अदाकारी में ज्यादा मजा आता है। सैफी हसन की मोटिवेशन क्या है, क्या चीज मोटिवेट करती है आपको? बहुत अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छा स्क्रिप्ट, अगर आपको पढ़ने में स्क्रिप्ट अच्छा लग गया तो फिर मैं किसी दूसरे का भी स्क्रिप्ट पढ़ते हुए सोच रहा होता हूँ यार काश ये मुझे मिल जाए। तो हाँ, अच्छा स्क्रिप्ट। आपके ख्याल में डंग जैसे ड्रामे, जिस टॉपिक पे डंग ड्रामा बना है, क्या इस तरह के टॉपिक पे मजीद ड्रामे बनने चाहिए? हर टॉपिक पे ड्रामे बनने चाहिए, बिल्कुल, हमें इस मामले में तो बिल्कुल अपने आप को तंग नजर नहीं रखना चाहिए, हमें हर टॉपिक पे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे माशरे के मसाइल हैं हमारे, और इन माशरे के मसाइल को हमें फेस करना है, हमारी औलादों को फेस करना है, हमें उनको ट्रेन करना चाहिए। एक्चुअली तो ये सारे ड्रामे हमारे लिए एक तरह की ट्रेनिंग होती है, एक तरह का सबक होती है, तो ये भी एक सबक आमूल ड्रामा। एट दिस पॉइंट ऑफ योर करियर, डू यू केयर अबाउट अवार्ड्स? क्या आप फिकर करते हैं कि मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, या आपकी जो जो आपका असल अवार्ड जो आप समझते हैं वो आपकी ऑडियंस का फीडबैक होता है जो आपको मिलता है? देखिए, बेशक असल अवार्ड वही होता है जो आपको फीडबैक मिल रहा होता है, लेकिन अगर कभी अवार्ड मिलता है या आपको नॉमिनेट किया जाता है तो हमेशा आपके लिए बेइंतहा मुसर्रत का बायस होती है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल ये नहीं चाहता हूँ कि मुझे अवार्ड मिले ना मिले, मैं आमिर खान नहीं हूँ, जब भी जहाँ भी नॉमिनेट किया जाएगा मैं जरूर पहुंचूंगा अवार्ड लेने के लिए या अपना नाम सुनने के लिए। राइट सर, लास्ट सवाल, क्या मैसेज देना चाहेंगे गिव इट अ थॉट के प्लेटफॉर्म से अपने फैंस को, ऑडियंस को, आम आवाम को? इस वक्त तो सबसे बड़ा मैसेज यही है कि हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो एहतियात कीजिए, आपके घर वाले आपकी जिम्मेदारी है, उनकी सेहत आपकी जिम्मेदारी है, मास्क पहनिए, SOPs पे अमल कीजिए, जिस हद तक मुमकिन हो सके कीजिए,
अल्लाह हमें जल्द आजमाई से बाहर निकाले और दोबारा पहले से जिंदगी जिए, दूसरों का ख्याल रखें, सिर्फ अपना न सोचें कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं है। जिंदगी आपको अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है उसमें दूसरों का शेयर जरूर दूसरों से शेयर करें। Thank you so very much, Shafi Hasan, for your time. Thank you so very much for watching this program. Stay tuned, stay safe. Allah Hafiz.